महोदय, आज मैं इस नई लोकसभा के गठन के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो जो बातें कही हैं, मैं प्रयास करूंगा कि क्रमवार उसका बिंदुवार कुछ बिंदुओं के बारे में अपना और पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करूं। राष्ट्रपति महोदया ने प्रथम तीन बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया कि एक नई सरकार और नई लोकसभा का गठन हुआ है और ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के अमृतकाल की पहली लोकसभा है। जवाब दो, भारत की नई संसद बनने के बाद की यह पहली लोकसभा है और उन्होंने अपने बिंदु क्रमांक तीन में यह कहा कि यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय पर विश्वास का चुनाव था। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीति, नियत और निष्ठा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेकर आज तक इन 73 वर्षों में हमने ना अपनी कोई नीति बदली है ना निष्ठा बदली है। हमारा एक भी आइडियोलॉजिकल मुद्दा ऐसा नहीं है इन 73 वर्षों में जिसमें हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो, और दूसरी तरफ हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका एक भी ऐसा आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं है जिसपे उन्होंने स्टैंड चेंज न किया हो। इसलिए मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। इसलिए ऑनरेबल मेंबर्स दोज ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, I will be constrained to name the members who are present here. Sagarika Ghosh, is this, have you come to this house, Sagarika Ghosh, for this purpose? Nothing will go on record, nothing will. Saket, you are virtually becoming a nuisance to yourself. And Mr. Derek O'Brien, you are becoming a director. The House will meet at 12 noon.